चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने आईनिया मंदिर के पास से मंगलवार को अंतर प्रांतीय फर्जी गोल्ड लोन कराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 9 पीली धातु की चेन, 1.8 पीली धातु के कंगन, कुल कीमत 12 लाख रुपए के 4500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया है कि फर्जी गोल्ड लोन के मामले में एक मुकदमा मुबारकपुर, एक शहर कोतवाली, 2 कंधरापुर थाना में दर्ज कराया गया था। किया गया है, क्या मामला था और कितने लोग गिरफ्तारी की गई? उक्त प्रकरण में 4 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें 1 मुबारकपुर में था, 2 कंदरापुर में थे और 1 कोतवाली में था। इस प्रकरण में पता चला कि एक पूरा गैंग था जो गोल्ड लोन स्कैम कर रहा था, जिसमें कल ही की दिनांक में 4 लोग गिरफ्तार हुए। विजय प्रताप वर्मा, राजाराम तिवारी, रमेश कुमार वर्मा और सुनील कुमार वर्मा। इसके पूर्व भी 2 लोग, राजन सिंह और मनीष सिंह, 9 जनवरी को गिरफ्तार होकर जेल गए थे। इस पूरे गोल्ड लोन के प्रकरण में करीब 5 बैंक, 7 बैंक के ब्रांच और 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 1 दिल्ली के, तो ये पूरा मिला के करीब करीब 19,45,000 का स्कैम था, जो अभी तक पता चला है और बाकी विवेचना का पार्ट है, आगे भी पता चलेगा। तो सर, कैसे मॉडस ऑपरेंडी इनकी क्या थी, किस तरह से लोगों को गुमराह करते थे? इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग बलिया से गोल्ड लाते थे, वहाँ पे एक सुनार थे सुनील कुमार वर्मा, उनसे गोल्ड लाया जाता था और उस गोल्ड के एवज में अपने आसपास वाले या जो भी इनके गरीब और लाचार व्यक्ति थे उनका अकाउंट खुलवाया जाता था। उस अकाउंट में जो भी लोन प्राप्त होता था एसिस के द्वारा, वैल्यूअर जो भी उनको अप्रूव करवाते थे, उस गोल्ड के अमाउंट को निकाल लिया जाता था और जो अभियुक्त थे वो गोल्ड का अमाउंट ले जाते थे और कुछ कमीशन जो बीच वाले हैं उन्हें दे देते थे कि आपके नाम पे गोल्ड लोन हो रहा है। तो ये फेक रहता था, जो गोल्ड ले जाते थे बैंक कैसे उसको अप्रूव करता था? बैंक का अपना एक अप्रेजल का तरीका है, वो अपने हिसाब से सुनार के थ्रू जो भी अप्रूवर कराते हैं, वो भी विवेचना का पार्ट है, उसमें और चीजें भी पता चली। तो ये लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं जो पकड़े गए? 4 लोग ज्यादातर लोग बस्ती के रहने वाले हैं, वहीं के सब मूल निवासी हैं। बैंक के कर्मचारियों की या अधिकारियों की क्या भूमिका रही, किस तरह से अप्रूव कर देते थे भाई बिना किसी जानकारी के? अभी वो विवेचना का पार्ट है, वो अभी और चीज़ें समझ में आ रही हैं क्योंकि इसकी पॉलिसी पढ़ी जा रही है कि किस किस का क्या क्या रूल्स थे, क्या रूल्स का वायलेशन हुआ और उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, लोकल में कितने लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे आजमगढ़ जिले के? लोकल में राजन और मनीष जो पहले जेल गए थे वो यहाँ के लोग थे, वो इन्वॉल्व थे और कोई अभी नहीं।